आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव इमरतपुर सिरसी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 17 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 2 किलोमीटर है। 1800 वोटों वाले इस गांव की कमान मोहम्मद आमिर ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान मोहम्मद आमिर और सचिव मोहम्मद इरशाद के द्वारा स्कूलों के सौंदर्यकरण के साथ साथ गांव की सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी इनके द्वारा ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान मोहम्मद आमिर का कहना है कि ग्रामवासियों के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के इमरतपुर सिरसी ग्राम पंचायत में। यहाँ बीते 4 सालों में क्या क्या विकास कार्य अब तक हुए हैं और लॉकडाउन के चलते भी लोगों की किस तरह से मदद की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि 4-4.5 साल आपके कार्यकाल को लगभग बीत चुके हैं, तो क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए हैं? जैसे कि मैंने अपने गांव में सीसी टेस्ट कार्य अपने गांव में कराए, काफ़ी जो है दिक्कतें थी और जो है नालियाँ भी बहुत जर्जर हो रखी थी और टाइल्स के कार्य भी मैंने कराए हैं गांव के अंदर और सूर्य लाइट भी लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइट भी गांव के अंदर भी लगवाई हैं और जो है प्रधानमंत्री आवास भी मैंने गाँव में दिए हैं अपने, जो कि बहुत काफ़ी जो है आदमी गरीब थे और जो है झोपड़पट्टी में रह रहे थे तो उनको मैंने आवास पात्र आदमी को मैंने प्रधानमंत्री आवास भी उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि सैफुल सिंह नाम थे और जैसे कि शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे कायाकल्प का जो ये मिशन चला है, इसके अंतर्गत कायाकल्प के तहत मैंने गांव के अंदर अपने प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी में भी काफ़ी जो है टैच वगैरह लगवाई, हर कमरे में टैच लग रही है। 3 कक्षा 1 से लेकर 3 तक जो है फर्श भी कराया है, बरामदे में भी है, पूरे आंगन में सीसी टैच भी लगवा रखी है और समस्या भी कराया है और 4 दीवारी जैसे इतना सौंदर्यकरण आपने करवाया है आप मिशन कायाकल्प के अंतर्गत, तो इसमें पहले पिछले जितने साल बीते हैं पहले भी स्थिति जो है यहाँ बच्चों की कैसी रही है और अब इस वक्त में कैसी है, इसमें क्या था? मेरे टाइम से पहले बच्चों का कम से कम लगभग पंजीकरण 110 के आसपास था और आज के टाइम में 265 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और पहले टीचरों का भी ऐसे था, बहुत बढ़िया पढ़ाई भी हो रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है, पढ़ाई में भी काफ़ी जो है सुधार हुआ है, शिक्षा में मतलब एजुकेशन काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको उससे मिल रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें फर्क लाने में ये मिशन कायाकल्प का जो है काफ़ी बड़ा महत्व रहा है या लोगों ने मेहनत इतनी की है जिसका ये नतीजा है? इसमें कायाकल्प का भी जो है बहुत काफ़ी रोल रहा है और मेहनत जो है टीचरों की भी काफ़ी मेहनत रही है, जो आप समय देते हैं स्कूल में? जी मैं समय देता हूँ, हर कम से कम 30 से 24 दिन मेरे जाना होता है स्कूल में और 30 दिन में जायजा भी लेता हूँ। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो कितने परसेंट लोग आपके गांव में सबका पूरा पूरा लाभ ले पाते हैं? ये जो है जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना है लगभग मेरे गाँव में 60-70% आदमी इसका लेगा। जी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आपके गांव में सभी लोगों को मिल पाता है? जी जैसे कि मेरे यहाँ पहले लाइट जो है 6 से 7 घंटा आया करती थी, आज की डेट में 16 से 18 घंटे लाइट आ रही है, जो कि सौभाग्य योजना से जो है हर घर में सौभाग्य योजना से कनेक्शन हुए हैं और बिल्कुल फ्री हुए हैं, कोई पैसा सरकार द्वारा या कर्मचारी द्वारा नहीं दिया गया। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त है, जो कि मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी एक था, आज की डेट में 2 सफाई कर्मचारी हैं और सफाई की भी जो है बिल्कुल रेगुलर आते हैं डेली टाइम से आते हैं रेगुलर। अब जैसे कि 70 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से रहा है देश में और अभी भी जारी है, बीमारी भी अभी भी पूरे चरम पे है इस वक्त में भी, तो आपके गाँव में भी काफ़ी गरीब परिवार ऐसे होंगे जो इस समय बड़ी पूरे हालात से बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजरे होंगे, इसमें आपकी क्या भूमिका रही, किस तरह से आपने उनकी मदद की? इसमें जो है मैडम मेरी बात तो ज़्यादातर बाहरी आदमी मेरे गांव में नहीं रह रहे, बाहर से कुछ ही आदमी हैं, ऐसे मान को लगभग जो है 20-25 ही आदमी आए, बाकी जो है शहर अपने ही मजदूरी करते हैं, जो कि सरकार द्वारा भी इसमें कभी सारा लाभ हुआ, 1000 रुपये व्यक्तियों को दिया भी गया है, कल्ला उनको मुफ्त मिला है और जितने भी हमसे मदद हुई है हमने उनको मदद की, अपने स्तर पर भी आपने उनकी मदद की है राशन वगैरह से। आप अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और ज़्यादा विकसित, ताकि गांव में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमारी यही मांग, जैसे कि हमारे गांव में एक बारात घर भी नहीं है, ठीक है, और ये पंचायत भवन होना चाहिए गांव के अंदर, और जैसे कि गांव में अंदर बारात आती है, पहले स्कूल में रोक लगा करते, अब आदेश शासन का आया कि स्कूल में बारात नहीं रोक सकते,
तो एक बारात घर भी होना चाहिए, एक पंचायत घर भी होना चाहिए। ग्राम समाज की जगह है जी, ग्राम सभा की जगह मेरे पास काफी है, चरागाह भी जगह है। तो इसके लिए कोई प्रस्ताव आपने आपसे पहले रखा है? जी मैंने तो प्रस्ताव ऑलरेडी भेज भी चुके हैं इसमें, पंचायत घर के लिए, बारात घर के लिए, जो की मेरे टंकी की मांग भी चल रही है गाँव में जी, टंकी भी होनी चाहिए। अस्पताल कितनी दूरी पर है यहाँ से? अस्पताल जो है वो सुंदरगी में पड़ता है 1.5 किलोमीटर के आसपास। जहाँ मरीजों को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 102, 108 की सुविधा तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर 102 102 जो है 102 108 5 मिनट के अंदर। अब जैसे कि ये बीमारी हम नहीं कह रहे हैं कि जो है कंट्रोल में है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन अनलॉक भी हो गया है, लगभग खुल चुका है, लोगों की सावधानियां कुछ कुछ हटती भी जा रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ, आप अपने गांव वालों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव वालों को हम जो इजाजत भी दे रहे हैं और ऐलान के माध्यम से उनको सूचनाएं पहुंचाते हैं, हमने समिति भी गठन की है, उसमें आए दिन बैठक भी अपने स्कूल में हम करते हैं, उनको समझाते हैं कैसे कोरोना से बचना है, कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए हमको समझा दिए। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते 4 सालों में काफी विकास यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं। और जैसा कि ये एक बहुत ही मतलब जो है युवा पीढ़ी से यहाँ पर ग्राम प्रधान है और शिक्षित भी है, तो जाहिर है कि शिक्षा की तरफ काफी अच्छे से ध्यान दिया है और काफी रुझान इनका रहा है, जिसमें कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफी सौंदर्यकरण कराया गया है, जिससे शिक्षा का स्तर और भी ज्यादा बेहतर हुआ है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते यहाँ गरीबों की कई तरह से मदद की गई है, साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जो कि यहाँ निर्मित नहीं है, ग्राम समाज की भूमि मौजूद है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर कोई स्वीकृति या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अशरफ अली के साथ मनाज रही।